वर्तमानपुर नाम के गांव में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ है। वो पेड़ हर मौसम में हमेशा एक ही जैसा रहता है, हरा भरा और घना। उस पेड़ के सबसे ऊपर एक छोटी सी घोंसले में एक सुनहरी रंग की चिड़िया रहती है और उसी बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बने एक छोटी सी घर में रूही नाम की एक छोटी सी लड़की अपनी माँ बिंदु के साथ रहती है। रूही बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से खाना खाकर स्कूल जाओ। आज स्कूल दोपहर तक ही है माँ, मैं घर जल्दी लौट कर आऊंगी, हो सके तो आप भी जल्दी आना। बिंदु टीके कहकर चली जाती है। बिंदु एक पशु चिकित्सक है, वो गांव के हर जानवर का इलाज बहुत अच्छे से करती है और अपने काम में बहुत ही माहिर है। आज जब रूही स्कूल से जल्दी घर लौट कर आती है, तब उसी उसके घर के आंगन में एक सुनहरी चिड़िया दाना खाती हुई नजर आती है। उसे देखकर रूही बहुत खुश हो जाती है और उसके लिए एक छोटी सी कप में पानी डालकर रखकर उसके पास बैठ जाती है। अरे वाह, तुम कितनी सुंदर चिड़िया हो, मैं तो तुमसे ऐसी बैठकर शाम तक देख सकती हूँ। तभी वो सुनहरी चिड़िया बोल पड़ती है, तुम पहली इंसान हो जो मुझे पकड़ना या पकाकर खाना नहीं चाहती हो। तुम्हारा दिल भी मेरे रंग जैसे सुनहरा है। तुम बोलती भी हो, जादुई हो शायद। कोई कैसे इतनी सुंदर चिड़िया को परेशान कर सकता है भला। ऐसे दोनों काफी देर तक बात करते हैं। रूही को विश्वास ही नहीं होता और वो चिड़िया कहती है कि वो हमेशा से उसी बरगद के पेड़ पर रहती है। ऐसे शाम होती है और चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। उसके बाद से रूही और वो चिड़िया हर रोज साथ में बैठकर बातें करने लगती है। एक दिन ऐसे ही रूही से मिलने के लिए आई हुई चिड़िया को एक लालची इंसान देखकर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। इसी कोशिश में वो चिड़िया को घायल कर देता है। तभी वहां पर रूही आ जाती है। चुपचाप मेरी चिड़िया को छोड़कर चले जाओ, वरना माँ से कहकर खूब पिटाई करवाऊंगी। रूही ऐसे उस व्यक्ति को डांट कर वहाँ से भगा देती है और उस चिड़िया को लेकर अपनी माँ के पास जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बेटा, मैं घर आने ही वाली थी। तब रूही अपनी माँ को सारी बात बताती है। रूही की बात सुनने के बाद बिंदु उस चिड़िया का इलाज करती है। चिड़िया होश में आते ही वहाँ से उड़ जाती है और काफी दिनों तक ना तो उस पेड़ पर रहने के लिए आती है और ना ही रूही से मिलने के लिए आती है। चिड़िया पेड़ पर ना होने की वजह से उस पेड़ पूरी तरह से सूख जाता है, उसके सारे पत्ते टूटकर बिखर जाते हैं। बिखरे हुए पत्तों को साफ कर करके बिंदु की तबीयत खराब हो जाती है। रूही उस गांव के हर वैद्य को अपने घर बुलाकर बिंदु का इलाज करवाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी वैद्य बिंदु को ठीक नहीं कर पाता है। उदास होकर नदी के पास बैठी हुई रूही के पास वो चिड़िया आकर, क्या बात है रूही, बहुत परेशान लग रही हो, जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। तुमने कहा था जब तक तुम उस पेड़ पर रहोगी वो कभी बूढ़ा नहीं होगा और ना ही उसके पत्ते टूटेंगे। उस पेड़ के टूटे हुए पत्ते साफ कर करके माँ की तबीयत खराब हो गई है, कोई वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा है।
सुनहरी चिड़िया कहती है कि वो काफी डर गई थी, इसलिए वहाँ से दूर चली गई थी। बाद में जब उसे एहसास हुआ कि वो बुरा लड़का था, ना कि रूही या उसकी माँ, तब वो लौट कर आ गई। रूही और चिड़िया वापस घर आते ही पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और बिंदु भी ठीक हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, आप हर जानवर का इलाज करके उन्हें जीवन देती है और मैंने आपको ही तकलीफ दे दी। आज से मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल आऊंगी। मेरी मौजूदगी से ही हॉस्पिटल के जानवर अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे वो सुनहरी चिड़िया ऊपर पेड़ पर रहने की बजाय उसी पेड़ के नीचे बिंदु और रूही के साथ मिलकर रहने लगती है। एक बार की बात है, काशी नाम का एक गरीब मछुआरा नदी किनारे बैठकर कुछ सोच रहा होता है। मछली पकड़ने का एक ही जाला था, वो भी सारा फट गया। अब कैसे मछली पकड़ूंगा और कैसे घर चलेगा? जैसे ही काशी वहां से उठकर जाता है, तभी नदी से एक मछली फड़फड़ाते हुए किनारे पर आ जाती है। तुझ अकेली मछली को पकड़कर मेरा और मेरा परिवार का कुछ नहीं होगा। इतनी छोटी सी मछली को ना तो मैं बेच सकता हूँ और ना ही पकाकर और अपने परिवार का पेट भर सकता हूँ। इसीलिए तू जा वापस नदी में। काशी उसे वापस नदी में धकेला देता है, पर वो मछली फिर नदी से बाहर आ जाती है। काशी फिर उसे पानी में डाल देता है। काशी जब भी उसे पानी में डालता, मछली हर बार नदी के पानी से बाहर आ जाती। तू ऐसे नहीं मानोगी, तुझे अब मैं अपने साथ ही घर लेकर जाऊंगा। काशी को एक टूटा मटका दिखाई पड़ता है, वो उसमें पानी भरकर मछली को उसी में डाल देता है और उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही काशी की बेटी मुनिया की नजर मछली पर जाती है। बाबा, ये मछली तो बहुत ही सुंदर है, पर बाबा शायद इस मछली को चोट लगी है, वो देखो। शायद इसी वजह से ये मछली बार बार पानी से बाहर आ रही थी, जैसे मुझे बता रही थी कि उसको चोट लगी है। बाबा, इस मछली को मुझे दे दो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। देखना, ये मछली जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तभी काशी की पत्नी निर्मला बोल पड़ती है, हमारे कान्हे को तो पूरा नहीं पड़ता, इस मछली को कहाँ से खिलाएंगे? इसे भी तो कुछ चाहिए ना खाने को। माँ, आप चिंता ना करो, मैं रोज अपने खाने से एक टुकड़ा इसे भी खिला दिया करूँगी। छोटा सा तो इस मछली का पेट है, रोटी के एक टुकड़े से ही भर जाएगा। अगले दिन मुनिया खाना खा रही होती है, वो मछली उसी के सामने रखी थी, तो मुनिया वो खुद भी खाती है और छोटा टुकड़ा तोड़ तोड़ कर उसे भी खिलाती है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। मुनिया रोज अपने खाने से एक टुकड़ा मछली को जरूर खिलाती। ऐसे मछली के लगी चोट अब ठीक हो चुकी थी। मुनिया मछली से बहुत प्यार करने लगी। अगले दिन जब मुनिया सोकर उठी तो उसने क्या देखा, उस मछली के मुंह से एक मोती बाहर निकलकर गिरा। वो देखकर मुनिया शोर मचाकर अपने माँ बाबा को बुलाती है। माँ, बाबा, जल्दी आओ यहाँ। मुनिया की आवाज सुनते ही दोनों उसके पास दौड़ चले आते हैं। क्या हुआ मुनिया? माँ, वो देखो, पानी में मोती, मैंने देखा अभी, इस मछली ने अपने मुंह से ये मोती निकाला। काशी बड़ी ही हैरानी के साथ उस मोती को अपने हाथ में उठाता है और मोती को अलट पलट कर देखता है। ये तो कोई साधारण मोती नहीं है, ये मोती बहुत कीमती है,
बचपन में मेरे दादाजी ने मुझे एक बार इसके बारे में बताया है। मछली को निकलने हुए मोती बहुत कीमत होता है। इसका मतलब ये मोती हमारा है। अब हम गरीब नहीं है। इस मछली ने हमारी गरीबी दूर कर दी। ये सब मुनिया की वजह से हुआ है। ये सुनते ही निर्मला बहुत खुश होती है, मानो उसका खुशी का कोई ठिकाना ना हो। अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये सब इस मछली की वजह से हुआ है। अगर मैं इसे मार देता तो हम कभी अमीर नहीं होते। आज के बाद मैं कभी मछली नहीं पकड़ूंगा। अपने लिए जमीन खरीद कर उस पर खेती बाड़ी किया करूंगा। आजी, कैसी बातें करते हो? अब आपको काम करने की क्या जरूरत है? ये मोती हमारे लिए बहुत है। निर्मला काशी को कोई काम नहीं करने देती। धीरे धीरे काशी और उसका परिवार बहुत अमीर बन जाते हैं। मुनिया अपने खाने से एक टुकड़ा मछली को रोज खिलाती, तो मछली रोज एक मोती अपने मुंह से उन्हें निकाल कर देती है। निर्मला उन मोतियों को एक डिब्बे में संभाल कर रखने लगी। एक दिन मुनिया बहुत बीमार हो गई, तो वो मछली को खाना नहीं खिला सकती। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उठा भी नहीं जा रहा मुझसे, तो आज आप अपने खाने से मछली को खाना खिला देना। ठीक है, जब तक तुम ठीक नहीं होती मैं मछली को खाना खिला दिया करूंगी। ऐश में आराम के चमक में निर्मला मछली को खाना खिलाना भूल गई, तो मछली ने भी मोती देना बंद कर दिया। ये क्या, आज तुमने कोई मोती नहीं दिया? ये कैसे हो सकता है? मुझे मोती चाहिए बस। ये मछली, हमने तुझे अपने घर में रखा, तुझे खाना खिलाया, एक दो दिन तुझे खाना नहीं मिला तो तूने मोती भी नहीं दिया। दे मोती। निर्मला मछली को अलट पलट कर देखने लगी, फिर भी मछली ने अपने मुंह से मोती नहीं निकला। गुस्से में आकर निर्मला मछली को पानी से बाहर फेंक देती है। तभी मछली तड़प तड़प कर मर जाती है। निर्मला, ये तुमने क्या किया? इस मछली को क्यों मार दिया? ये रोज मुझे मोती देती थी, पर एक दो दिन से मुझे इसने एक भी मोती नहीं दिया। तभी वहाँ मुनिया भी आ जाती है। मछली को मरा देखा मुनिया बहुत रोती है। माँ, इस मछली की एक खास बात थी, जिस दिन मैं इसे रोटी खिलाती उसी दिन ये मोती देती थी, पर आपने मेरे बोलने के बाद भी इस मछली को रोटी नहीं खिलाई, तो मछली ने भी मोती नहीं दिया। तुम्हारे लालच ने मेरी मछली को मार दिया। निर्मला को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन क्या करें, वो लोग फिर से गरीब हो गया और काशी को फिर से मछली पकड़ने का काम शुरू करना पड़ा।